देखिए एक्सेल में इफ फंक्शन का प्रयोग कैसे करते हैं, उसमें अगर हम देखिए इस तरह का कोई डाटा है जिसमें स्टूडेंट पहला टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट और फाइनल ग्रेड दिया हुआ है। अगर हम ये कहें कि अगर किसी स्टूडेंट का ग्रेड 6 है या 6 से ज़्यादा है तो वो पास की कैटेगरी में होगा, और अगर उस स्टूडेंट का ग्रेड 6 से नीचे है, लेस देन 6 है, यू कैन से लेस देन 6, तो वो फेल्ड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये 6 इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होगा तो पास होगा, लेस देन 6 होगा तो फेल्ड हो जाएगा। तो ये डेटा देखिए हमारा बहुत बड़ा है, इसमें हम फिजिकली भी टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 7.3 है तो इसको हम ASSAD पास लिख सकते हैं, फिर यहाँ 6 है तो इसको पास लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 5 है तो इसको फेल लिख सकते हैं, फिर यहाँ 7.3 है तो इसको पास लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम टाइप करके अलग अलग टाइप कर सकते हैं। मगर डायरेक्ट अगर फार्मूले की बात करें तो इसमें इज इक्वल टू फंक्शन टैब बटन। अब देखिए इसमें लॉजिक टेस्ट प्लस वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। तो लॉजिक टेस्ट में हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं और इसमें कंडीशन लगाते हैं कि ये सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है तो ये पास की कैटेगरी में आना चाहिए। सेमी कॉलन वर्क कर दें, डबल इंडेंट कॉमा वर्क कर दें, कॉमा लगाएं। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर ये ऐसा ना हो तो इफ फॉल्स, फॉल्स क्या होगा सेकंड कंडीशन में होगी, ये डायरेक्ट फेल्ड कहलाएगा। ठीक है, अब एंटर कर देंगे। अब देखिए हमें ये फार्मूला लग चुका है, अब इस फार्मूले को यहाँ से अगर डबल क्लिक कर दें या इसको यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ ले जाएं पूरे डेटा में, तो सेकंड में आपका देखिए एकदम क्लियर डाटा लग जाता है। देखिए 8 में पास लिखा हुआ है, 5.7 में फेल लिखा हुआ है, 6.7 में पास लिखा हुआ है। तो एक बार में डेटा इफ फंक्शन बहुत ही सटीक तरीके से लग जाता है। तो इस तरीके से हम इफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अलग अलग कंडीशन लगा के, अलग अलग लॉजिक टेस्ट लगा के। ठीक है, ओके, थैंक यू।